News 18, India. और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व में रही, यूपीए सरकार की 10 सालों के दौरान जो आर्थिक कुप्रबंधन का दावा कर रही है, और केंद्र सरकार संसद में 9 या 10 फरवरी को श्वेत पत्र पेश कर सकती है। श्वेत पत्र में आर्थिक कुप्रबंधन के अलावा यूपीए सरकार के दौरान उठाए जा सकने वाले सकारात्मक कदमों के असर के बारे में भी इसमें बात की जाएगी। संसद का सत्र भी एक दिन के लिए इसी वजह से बढ़ाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि श्वेत पत्र आखिर क्या होता है। सरकार की कमियां, दुष्परिणाम, सुधार के इसमें सुझाव होते हैं। किसी विषय पर जानकारी के परिणाम के सारांश भी इसमें होते हैं। किसी भी विषय पर इसे जारी किया जा सकता है। काम के तरीके को बेहतर बनाने का इसमें सुझाव होता है, यानी यह सुझाव उसमें दिया जाता है कि सरकार की कमियां, दुष्परिणाम और इसके बारे में जानकारी होती है। किसी भी विषय पर जानकारी के परिणाम के इसमें सारांश भी होते हैं। और अब मन में सवाल यह उठता है कि यह श्वेत पत्र कौन जारी कर सकता है। चलिए जरा इसके बारे में भी आपको बता दें, सरकार श्वेत पत्र जारी कर सकती है। इसके अलावा, सरकार के अलावा कोई संस्था या फिर कंपनी भी श्वेत पत्र जारी कर सकती है। कोई संगठन भी श्वेत पत्र जारी कर सकता है। अब सवाल यह उठता है कि सरकार के अलावा, जैसे हमने बताया, कोई संस्था या कंपनी भी श्वेत पत्र जारी कर सकती है। श्वेत पत्र कौन कौन जारी कर सकता है, जरा वो हम आपको बता रहे हैं। कोई संगठन भी श्वेत पत्र जारी कर सकता है। सरकार, संस्था के अलावा कोई संगठन भी ये श्वेत पत्र जारी कर सकता है। श्वेत पत्र की शुरुआत 1922 में ब्रिटेन से हुई थी। अब ये जो श्वेत पत्र है, ये 2004 से लेकर 2014 तक जो यूपी की सरकार भी उसके खिलाफ लाने जा रही है। पहले से चर्चिल व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जा सकता था। कैसे इसकी शुरुआत हुई थी वो हम आपको बता रहे हैं। श्वेत पेपर की शुरुआत कैसे हुई थी, जो अब यूपीए सरकार का जो कार्यकाल रहा 10 साल का, उसके खिलाफ ये श्वेत पत्र जारी कर सकती है केंद्र सरकार। सरकार के अलावा, जैसा हमने आपको बताया, कोई संस्था या फिर कंपनी भी श्वेत पत्र जारी कर सकती है। उसके अलावा कोई संगठन भी श्वेत पत्र जारी कर सकता है। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शामिल होंगे। सपा अध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। अखिलेश यादव अमेठी या फिर रायबरेली में इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए कांग्रेस